तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका टेक्निकल धर्मजीत में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट जो कस्टमर केयर होता है उसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जहाँ आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। इतना दोस्तों करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में जाकर और यहाँ पे सर्च करना है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सर्च करके फ्लिपकार्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन अपने मोबाइल नंबर से हो के उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए मैं बता देता हूँ कि आपको जाना है यहाँ, ये थ्री डॉट वाला एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा देर रुकिए। ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा तो आपको किसी पे भी क्लिक लेना है। मान लीजिए आपका अकाउंट का रिलेटेड कोई क्यूरी है या फिर फ्लिपकार्ट सर्विस क्यूरी है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पढ़ लीजिएगा और उस पर सर्च कर दीजिएगा। सर्च कर जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन दिया गया होगा, ठीक है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो यहाँ पर आपको एक नीचे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे राइट टू यूज़ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले कॉल का भी ऑप्शन आता था लेकिन अब सिर्फ ईमेल का ऑप्शन आता है, ठीक है। और एक और मैं बात बता देता हूँ, जैसे ही आप इस पर रिस्पॉन्स देंगे तो ये 72 घंटों के बाद रिप्लाई आता है ना, जल्दी नहीं आता है लेकिन 72 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब डिटेल में बता देना है और इंग्लिश हिंदी जो भी है उसमें बताने के बाद यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक इमेज चूज कर लेना है। जो भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका यहाँ पे इमेज डालकर ऐड इमेज पे इसे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि माई अकाउंट माई ऑर्डर इज पेंडिंग। मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह कुछ लिख देना है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट इंडियन वेबसाइट है तो हिंदी समझ जाएगी और भी, या फिर अगर दिक्कत हो रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ से आपको कोई भी इमेज चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं एक डेमो के लिए आपको इमेज चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से आपको एक डेमो के लिए इमेज चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। चूज करने के बाद जैसे ही ये आ जाएगा आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों तो ये 72 घंटे के बाद आपको रिप्लाई दे देगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आपके ईमेल पे आ जाएगा मैसेज। मैं ये नहीं डालूँगा क्योंकि ये इमेज जो है थोड़ा सा गड़बड़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर केयर का है ना तो इससे वो नहीं ना कर सकते हैं मजाक उजाक। तो इस तरह दोस्तों आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से सर्विस सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई फ़ोन उनका ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ ईमेल का ऑप्शन है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।